अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल इस संबंध में विभाग का कहना है कि अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा ले, क्योंकि 31 मार्च 2023 के बाद ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिवेट हो जाएगा। आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1,000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है। वहीं इसे लिंक करने की डेडलाइन कई मौकों पर बीत चुकी है। विभाग लगातार पैन कार्ड धारकों को इस कारण से अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए कहता रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वो पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। देर न करें, आज ही लिंक करें। मिली जानकारी के मुताबिक पैन कार्ड इनएक्टिवेट होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी भी लगाई जा सकती है। वहीं आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल है। पैन कार्ड इनएक्टिवेट होने से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना नहीं खरीद पाएंगे, बैंकों में 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड इनएक्टिवेट हुआ तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा, किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में दिक्कत आएगी, म्यूचुअल फंड और वित्तीय योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे, साथ ही शासकीय योजनाओं का फायदा लेने में भी दिक्कतें आएगी। अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ क्लिक लिंक में आधार लिंक पर क्लिक करना होगा। पैन और आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें। पेमेंट के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाने का लिंक दिखेगा। चलान नंबर ITNS 280 में प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। टैक्स एप्लीकेबल 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज को चुनें। टाइप ऑफ पेमेंट में 500 अदर रिसीप्ट को चुनना होगा। मोड ऑफ पेमेंट में दो ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। इसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर में अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करें। असेसमेंट ईयर में 2023-2024 का चयन करें। एड्रेस वाली जगह पर अपना कोई भी एड्रेस डालें। अब कैप्चर कोड डालकर प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर दर्ज की गई जानकारी दिखेगी। जानकारी चेक करने के बाद आई एग्री पर टिक करें। सबमिट टू दी बैंक पर क्लिक करें। अब आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड ऑप्शन चुनकर अदर्स में 1,000 रुपए भरें। ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद आपको एक PDF मिलेगी, इस डाउनलोड पर अपने पास रख लें। इस पेमेंट को अपडेट होने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा।